जब भी तुम स्टार्ट करोगे ना, तो मैं ना तुम्हें एक इनविटेशन लिंक भेजने के बारे में बताया था मैंने तुम्हें ग्रुप पे। तो जब तुम देखोगे अपनी मेल में चेक करोगे ना, तो तुम्हें एक इस टाइप का मेल मिलेगा। ये जैसे ये दिख रहा, यू हैव बीन इनवाइटेड टू कंट्रीब्यूट टू मार्टलू मार्टलू फॉर गैजेट स्मार्टफोन इलेक्ट्रॉनिक। ये मेरे ब्लॉग का नाम है, मैंने तुम्हें इनवाइट किया तो तुम्हें ऐसे मिलेगा। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ, मैंने खुद के दूसरे मेल को मैंने इन्विटेशन भेजा। तो अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे दिख रहा है एक्सेप्ट इन्विटेशन, इस पर तुम्हें क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखेगा यू हैव बीन इन्वाइटेड टू कंट्रीब्यूट टू अ ब्लॉग। तो एक ब्लॉग पे कंट्रीब्यूट करने के लिए तुम्हें इनवाइट किया गया, तुम बस यहाँ पे साइन इन कर दो। जैसे साइन इन करोगे, ये तुम्हारा जिस जिस जीमेल अकाउंट से तुम गए हो उसे साइन इन कर लेगा ऑटोमेटिकली। अब करो एक्सेप्ट इनविटेशन। जैसे तुम एक्सेप्ट इनविटेशन करोगे, ये ब्लॉगर पे खुलेगा। अगर तुम्हारा पहले से अकाउंट है तो डायरेक्ट खुल जाएगा, नहीं तो तुम्हें बनाने को बोलेगा कि पहले अकाउंट बना लो। अब जब तुम इसके अंदर आओगे तो तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे पोस्ट्स हैं जो पहले से डली हुई है, और एक है कि नया पोस्ट डालने का तुम्हें दिख रहा होगा कि न्यू पोस्ट डालनी है। तो यहाँ दो तुम्हें ये पोस्ट का ऑप्शन दिख रहा है, ये सेटिंग्स है, ये पोस्ट है, और ये व्यू ब्लॉग दिख रहा है कि ब्लॉग कैसा दिख रहा है। तो यहाँ तुम्हें अपना ब्लॉग दिखेगा, ये ब्लॉग का पेज है, सिंपल सा सादा सा पेज है। अब यहाँ पे गए, तुम्हें डालना है नया पोस्ट, तो पोस्ट पे गए, न्यू पोस्ट पे गए। अब जो तुम यहाँ देखोगे, ये पूरा एमएस वर्ड जैसा मैकेनिज्म है इसका। तुम्हें पोस्ट जो है, पोस्ट का टाइटल रखो। फेसबुक पे पोस्ट डालते अपन उसमें कुछ लिखते हैं ना नीचे कि क्या लिखना है तुम्हें, वो सब जैसे पोस्ट का टाइटल हो गया ना, वैसे फेसबुक पे भी होता है, वैसे इस पे करना होता है। सपोज मैंने ये डाला मी बैंड 4 के ऊपर डाला है, एग्जाम्पल के बारे में, एग्जाम्पल के लिए समझा देता हूँ। मी बैंड 4, अब इसके अंदर से मी बैंड 4 नहीं लिखना तुम्हें, तो और भी चीज़ें लिखनी है। मी बैंड 4 न्यू लॉन्च्ड रिसेंट गैजेट ला ला ला, तुम बहुत चीज़ें लिख सकते हो। अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे गए, यहाँ गए, अमेजोन पे गए, किसी भी चीज़ में तुम्हें इंफॉर्मेशन चाहिए, बेसिकली तुम्हारे पास नहीं है इंफॉर्मेशन, तुम किसी और की इंफॉर्मेशन ले सकते हो। जैसे मी बैंड 4 सर्च मारा है अमेजोन पे, अब मैंने देखा यहाँ पे इधर, तो ये खोलोगे तुम तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा ये मी बैंड 4 दिख रहा है। अब यहाँ पे जाओगे नीचे, तो नीचे जाओगे तो तुम्हें इसके स्पेसिफिकेशन दिख रही होगी, ये दिख रही है, ये सब चीज़ें। अब ये इमेजेस तुम यूज़ कर सकते हो, किसी ने मना नहीं किया तुम्हें, ठीक, इसको यूज़ कर लो। ये जो इसने ये सब चीज़ें बोल रखी है इसको यूज़ कर लो, और भी इसने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब तुम्हें इसकी यूज़ नहीं करनी तो किसी और वेबसाइट की यूज़ कर लो, जैसे कि मी बैंड 4, बस सिर्फ सर्च मारो मी का आ रही है वेबसाइट, अमेजोन का आ रहा है, गैजेट्स गैजेट्स एनडीटीवी का आ रहा है, तुम इसका भी ले सकते हो। तो जैसे ये है, इसने बता रखा है इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन, ये उठा ली अपन ने, सीधे लगाई यहाँ पे। पहले तो इसकी ये उठा लो, क्या कहते हैं ये चीज़, सिंपल उठानी है तो मैं क्या लिख दो यहाँ पे मी बैंड 4 लिख दिया, इसको कर दो बोल्ड, टेस्ट कर दो लार्जेस्ट, अंडरलाइन कर दो, अलाइनमेंट यहाँ से सेंटर कर दो, और बेसिकली जहाँ तक कोशिश करो कि सेंटर हो। अब यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे इमेज डाल दो, इमेज डालना है इमेज डालो। अब जैसे ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, सीधा सीधा ऐसे करो यूज करके उठा के यहाँ छाप दो, तो ये आ गई इन्फॉर्मेशन। अब क्या है कि तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर पहले से ही पीछे से कोई कलर दिख रहा है। अब ये कलर आ रहा है क्योंकि उसने एज इट इज कॉपी किया है। या तो तुम्हें HTML आती है तो यहाँ HTML में चेंज कर सकते हो, नहीं आती तो सिंपल जाओ नोट पैड पे। और जब नोट पैड पे जाओगे तो यहाँ तुम्हें दिखेगा एक, यहीं पे तुम इसे को पेस्ट करोगे,
तो अब यहाँ पे कोई पीछे बैकग्राउंड कलर नहीं आ रहा। अब इसे यहाँ पे मैंने इसको हटा दिया और इसको मैंने कॉपी कर लिया नोट पैड से। पहले मैंने नोट क्या पैड पे चिपकाया, फिर मैंने यहाँ पे चिपकाया, पर देख सकते हो अभी भी यही आ रहा है। अब देखो अब ये चला गया, अब सिंपल सा ये आ गया। इसके अंदर तुम एक पिक्चर लगा सकते हो। कैसे लगाओगे? या इंसर्ट का पिक्चर का आ रहा होगा। अब तुम्हें पिक्चर कैसे लेनी है मैं वो भी बता देता हूँ। फिर लिखा मी बैंड 4, यहाँ पे गए इमेजेस पे गए। अब यहाँ पे होता है कुछ होती है कि इनको तुम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि तो इन पे यूसेज राइट्स नहीं है अपने पास कि इनको यूज़ करो अपन। तो लेबल फॉर यूज पे चले जाओ, यहाँ पे सेटिंग्स में गए थे अपन, टूल्स पे गए थे, यहाँ लेबल फॉर यूज पे गए थे। अब ये जो जितनी भी इमेजेस है ना तुम यूज कर सकते हो इसे, इसको यूज कर लो, इसको यूज कर लो, इसको यूज कर लो। मैंने ये यूज कर ली। ठीक, वेट करो इसकी क्वालिटी अच्छी होने का। अब इसको सेव कर लो, सेव करके डाउनलोड कर लो। हो गई। अब यहाँ आ जाओ अपने जहाँ पे तुम लिख रहे थे, ये रहा यहाँ पे तुम देख रहे हो इंसर्ट इमेज पे क्लिक करो, चूज फाइल पे जाओ, यहाँ दिख रहा है ये इंसर्ट इमेज का। अब ये क्या हो रही है, ये अपलोड हो रही है। और जैसे ही इस पे क्लिक करोगे, ये क्लिक किया एड सिलेक्टेड, तो ये अपलोड हो गई पिक्चर। अब ये क्या है, जो तुम्हारी पहली पिक्चर है ना ये पोस्ट के ऊपर दिखाई देगी। और मुझे क्या करना चाहिए इसके ऊपर? अब ये अ डिवाइस विद एमोलेड कलर डिस्प्ले एंड, ठीक है, आधा अधूरा है। अब यहाँ देखोगे तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा, बट हाँ, यहाँ से ये रह गया है। ठीक, इसको भी कॉपी कर लेते हैं, ये रह गया था, इसको भी चिपका देते हैं यहाँ पे, कॉमा 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 से मैं देख लूँगा, यहाँ चिपका दिया मैंने। ठीक, और ये मैंने यहाँ से ले लिया, और ये पूरा का पूरा यहाँ पे आ गया। अब ये सेंटर अलाइन है। अब मैं कह रहा हूँ कि इसके बोल्डनेस बढ़ा देते, हल्की सी बोल्डनेस बढ़ गई। और ये देखोगे तुम्हें बोल्डनेस बढ़ गई। तुम्हें अपनी हेडिंग का कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर दो, सबको मुझे नीला करना है, नीला हो जाएगा ये कलर। अब क्या है कि अब यहाँ पे और भी चीज़ें मैं डाल सकता हूँ उसके अंदर। सपोज मुझे ये वाली इमेज और डालनी है, हाथ पे कैसा लग रहा है ये बैंड, तो ये भी डाल सकता हूँ मैं, ये भी डाल सकता हूँ। डब्बे पे कैसा दिख रहा है वो भी डाल सकता हूँ, सब डाल सकता हूँ मैं, ये भी डाल सकता हूँ। अब ये तो तुम्हारे ऊपर है कि कितनी इमेजेस डालनी है। अब क्या है कि मी बैंड 4 के बारे में और चीज़ें देनी है तो यहाँ से ले लो। अब ये तुम्हें दिख रही है सब चीज़ें इसने दे रखी है, मी बैंड 4 स्पेसिफिकेशन, ये इतनी सारी स्पेसिफिकेशन दे रखी है कि है या नहीं है, कुछ चीज़ें है या नहीं है। मैंने सिर्फ सी किया कंट्रोल सी और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और ये सारी की सारी स्पेसिफिकेशन आ गई अपने पास। तुम्हें क्या करना है, इसे बस सेंटर अलाइन कर देना। ठीक, चाहो तो कलर चेंज कर सकते हो, चाहो तो इसको टेबल के फॉर्म में ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, तुम कैसे भी ले सकते हो इसे। अब ये जैसे ये है, अब ये एक है हेडिंग है, इसको अंडरलाइन कर दो इसको थोड़ा। अब ये सेंटर में ही है, अब ये स्पेसिफिकेशंस है, ये सब आ गई है यहाँ पे। चाहो तो ये जो है ये सारी चीजें बोल्ड कर सकते हो। अब ये सारी चीजें हो गई बोल्ड, ऐसे कर सकते हो तुम, बहुत कुछ कर सकते हो बेसिकली। अब जब यहाँ कर लो तब यहाँ पे सिर्फ पब्लिश पे क्लिक कर देना। अब जैसे ये पब्लिश हो जाएगा, अब ये तुम देख रहे हो नीचे वाले पे कोई एडिट एडिट का ऑप्शन, डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन जो तुम्हारे है तुम इसको एडिट भी कर सकते हो। कि तुम्हें लगता है यार मैंने ये चीज़ गलत लिख दी तो एडिट पे जाओ, ये वापस चला जाएगा। वो कोई चीज़ गलत लिखी हो तो वो अपडेट हो जाएगी यहाँ चेंज करने के बाद। और डिलीट में मतलब तुम्हें ये पोस्ट हटानी है, तो
अब जब तुम जाओगे ब्लॉग पे तो यहाँ जब देखोगे तो तुम्हारी पोस्ट भी यहाँ पे आ रही होगी। अब ये देख रहे हो, ये तुम्हारी पोस्ट अभी की अभी है। डालिए देखो प्रथम सक्सेना, और ये तुम्हारी पोस्ट आ गई, देख सकते हो तुम। तुम्हारी पोस्ट B4 के ऊपर आ गई है, तो कांग्रेस तुम्हारी पहली पोस्ट बन चुकी है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि यार अपन करके किस लिए रहे, तो मैं बता देता हूँ कि हमारा क्या है, पर्पस क्या है। तो ये तुम देखो, ये इमेज देखो, मैंने इसमें बता रखा है, चेन बता रखी है समझाने के लिए। तो ये चीज देख रहे हो तुम, ये तो ये जो है इसके अंदर ये एक चेन बनी हुई है, देख रहे हो। इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है, ये कोई एक एग्जांपल ले लिया मैंने, नाम पे तुम ज्यादा गौर मत करना। तो एक एग्जांपल ले लिया, कोई हमारी मेन वेबसाइट है तो उसको .com दिया हुआ, बाकी सबको ब्लॉग स्पॉट दिया हुआ। मैं बताता हूँ क्या है। अब मैंने तुम्हें दिखाया मार्ट लूप करके, ये हमारा मार्ट लूप वाला चल रहा है, ये तुमने देखा, ये जब तुम होम पे जाओगे ये दिख रहा है तुम्हें, पोस्ट जो आती जा रही है, ये मार्ट लूप है चल रहा अपना। एक अपना ये भी है HTTPS भक्ति स्रोत करके, ये भी अपना ही है, ठीक। अब ये देख रहे हो तुम, इसके अंदर भी चीजें आती जा रही है। तो ऐसे जैसे ये है ये ब्लॉग है, ये ब्लॉग है, इसके अंदर भी तुम लिख सकते हो, ऐसे पोस्ट डाल सकते हो, अब यहाँ देखोगे तो ऐसे जैसे मार्ट लूप भक्ति स्रोत, ऐसे तीन चार और अपन ब्लॉग बना देंगे, जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है तो वो 25 में आया, सपोज कोई मीम चली, ठीक है, और कोई मीम चली नहीं या कोरोना चल रहा है तो उसके ऊपर ब्लॉग लिखना है तो तुम ट्रेंड में लिख सकते हो उसे। टेक्स्टर में टेक से रिलेटेड चीज़ें डाल सकते हो तुम, जिसको टेक की नॉलेज है वो टेक के रिलेटेड डाल सकता है इसमें ब्लॉग। अब जो रेसिपी वाला है रेसिपी में डाल सकता है। अब इतने सारे ब्लॉक को जब हम एक साथ कनेक्ट कर रहे हैं, अब ये क्या है कि ये जो डॉट ब्लॉक स्पॉट लिखा हुआ है, इनका डोमेन है। डोमेन क्या होता है, जब तुम यहाँ देखोगे तो ये नाम दिख रहा है तुम्हें, ये फ्री डोमेन है, लंबा चौड़ा होता है, डबल डॉट वाला होता है, ये देखो। तो ये फ्री डोमेन है पर गूगल का है, तो ठीक है। तो जब इन सब फ्री फ्री डोमेन पे जो ये पड़े हुए हैं, इनको एक डोमेन के अंदर डालेंगे तो एक पूरी एक चेन बन जाएगी ब्लॉक्स की। एक डोमेन मतलब .com खरीद लेंगे 400 रुपये का, ये सब काम बात का है, और इन सबको उसके अंदर डाल देंगे तो अलग ही मतलब समझ लो एक चेन सी बन जाएगी। तो जब ये चेन बनेगी तो इसके अंदर जो ट्रैफिक आएगा वो ह्यूज अमाउंट ट्रैफिक आएगा, अपनी सीधा साइट पे ट्रैफिक आएगा। तो किसी से एडवर्टीजमेंट लेनी हो, कोई कंपनी से एडवर्टीजमेंट की, हमारे पास पब्लिक है, खूब सारी पब्लिक देखती है, तो अपन एडमिट वो ऐड डालने के लिए उनसे पैसा ले सकते हो कि हमें आप बता दीजिए, हम वो ऐड डाल देंगे, हम इतना चार्ज करेंगे और सब पे। अब क्या है कि अब मैंने जो फॉर्म डाला था उसके अंदर लिखा था कि मैं तुम्हें हायर कर रहा हूँ एज अ कोर टीम मेंबर। इसका मतलब है, अगर तुम इसके अंदर कोर टीम का मतलब है कि इस जो तुम्हें इंटरेस्ट है अभी पकड़ लो, तुम्हें मौका है, ठीक। और तुम अगर अभी से पोस्ट चालू कर देते तो तुम्हें हेड बना दिया जाएगा अपने उस ब्लॉग का। सपोज टेक से रिलेटेड तुम्हें जानकारी है तो तुम उसके हेड बन जाओगे, और जो बाकी बंदे आएंगे वो तुम्हारे अंडर काम करेंगे, पर बशर्ते तुमने इस पर काम किया हो, मतलब पोस्ट हो तुम्हारी, खूब सारी पोस्ट डाली हो तुमने इसके अंदर, बहुत मेहनत करी है तुमने, 30-40 पोस्ट हो गई है तुम्हारी, तो तुम अपने आप ही तुम्हारे अंदर बंदे आने शुरू हो जाएंगे, तुम हायर कर सकते हो। तो कोर टीम मतलब इसका हेड, इसका हेड, इसका हेड, इसका हेड, इसका हेड, ये कोर टीम है, मेंबर्स हैं 5 के, तो समझ सकते हो। और ये सब एक एक डोमेन के अंदर। अब तुम समझ गए होगे कि स्ट्रेटेजी क्या है इसकी, और बेसिकली अपने अपने इंटरेस्ट को पकड़ना, तुम्हें किस में इंटरेस्ट है। एक बंदा ऐसा नहीं है कि एक पे लिख सकता, बाकी पे भी लिख सकता है, कोई वो नहीं है, लिखने में आज़ादी है। मैं तुम्हें इनविटेशन भेजूंगा, तुम्हें सिर्फ एक्सेप्ट करना है, बस यही कहना चाहता हूँ मैं। और ये देख सकते हो, ये अपना भक्ति स्रोत करके है, यहाँ देखोगे तो तुम्हें यहाँ से पेज भी खुल जाता है फेसबुक का, और ये जितनी भी है यहाँ पे सर्च
सर्च भी कर सकते हो यहाँ पे, जैसे आरती आ रही है ये तुम देख सकते हो, यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक, यहाँ पे ये है दुर्गा अम्बेजल, ये भी है, सबके लिरिक्स दिखेंगे तुम्हें यहाँ पे। देख रहे, अब ये देख रहे हो तुम, रॉयल ऐड हो चुका मैं हूँ, वार्डबुक मेरे ये जीमेल आईडी है। तो ये सब कंट्रीब्यूटर्स के नाम यहाँ पे लिख के आते हैं, तुम्हारा भी नाम लिख के आएगा तुम करोगे। यहाँ देख सकते हो तुम, ये संपूर्ण रामायण, साथ उत्तरकांड, पूरी रामायण दिखेगी तुम यहाँ पे, सारे के सारे दोहे। तो ये बेसिकली क्या है, ये पोस्ट की चेन बन रही है ब्लॉक के अंदर, ब्लॉक की चेन बन रही है हमारे मेन वेबसाइट के अंदर, बस ये है इसके अंदर। ऐसे ही मार्ट लुक पे अभी हमने एक बनाई है, तो बस यही है। सिया, गुड बाय, गुड नाइट।